देश में बढ़ रहे ऑनलाइन फ्रॉड और स्कैम के लिए भारत सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल का नाम है चक्षु पोर्टल। बहुत ही अच्छा पोर्टल है ये। अगर आपके साथ कॉल के जरिए, एसएमएस के जरिए या फिर व्हाट्सएप के जरिए कोई भी किसी भी प्रकार की ठगी हुई हो तो आप यहाँ पर इस पोर्टल पर जाकर आसानी से बहुत ही कम स्टेप्स में अपनी शिकायत कर सकते हैं और फिर जाकर आपकी शिकायत पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई होगी। चक्षु पोर्टल ये केंद्रीय दूरसंचार विभाग ने लॉन्च किया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस पोर्टल को लॉन्च करते हुए कहा कि जिनके साथ ये धोखाधड़ी होते हैं उनके साथ वित्तीय से लेकर सेक्सटॉर्शन तक किए जाने की संभावना है, इसीलिए जो भी इस पोर्टल पर जाकर शिकायत करेगा उसकी शिकायत पर कार्रवाई की जाएगी तत्काल प्रभाव से, ताकि उनको किसी भी धोखाधड़ी का सामना ना करना पड़े आगे से। ऐसे में चलिए इस पोर्टल का इस्तेमाल कैसे करना है, क्या प्रोसेस है, वो आपको वीडियो में बताते हैं। हाँ, तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर ये पोर्टल खुल चुका है। ये पोर्टल है संचार साथी। दरअसल संचार साथी के साथ ही चक्षु पोर्टल जो है ये, इसको एक्सेस किया जाएगा। अब इसमें आपको रिपोर्ट कैसे करनी है, चलिए वो बता देते हैं। सबसे पहले तो यहाँ से नीचे आएंगे, देखिए ये रहा रिपोर्ट सस्पेक्टेड फ्रॉड कम्युनिकेशन चक्षु। ये अभी इंग्लिश में है, बहुत सारे लोगों को अगर इसमें दिक्कत हो रही होगी तो यहाँ से आके जो भी लैंग्वेज आपको ईजी लगती है आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो मैं हिंदी में कर देती हूँ ताकि हिंदी में बहुत सारे लोगों को आसानी से समझ आ जाएगा। तो यहाँ से मैं लैंग्वेज सेलेक्ट करके हिंदी कर दूँगी। एक सेकेंड, कुछ इशू आ रहा है क्या, हिंदी नहीं हो रहा। एक मिनट, मैं रिफ्रेश करके ज़रा लैंग्वेज चेंज करने की कोशिश करती हूँ। देखिए ये जो पोर्टल है ना, ये दूरसंचार विभाग ने लॉन्च किया है। जो ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं उसको देखते हुए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया, चक्षु पोर्टल को, ताकि जिसके साथ भी धोखाधड़ी हो वो यहाँ पर जाकर रिपोर्ट करें। देखिए ये है, खुल गया हिंदी में। अब ये चक्षु पोर्टल खुल गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए अगर जब खोलेंगे तो होम पेज खुलेगा और यहाँ पे साफ लिखा है कि संदिग्ध धोखाधड़ी संचार की रिपोर्ट करें। पिछले 30 दिनों के भीतर प्राप्त किसी भी संदिग्ध धोखाधड़ी संचार की रिपोर्ट करें। यहाँ पे साफ तौर पर लिखा है चक्षु के बारे में। देखिए चक्षु नागरिकों को साइबर अपराध, वित्तीय धोखाधड़ी, प्रतिरूपण जैसे गैर सच्चे उद्देश्य या कॉल, एसएमएस या व्हाट्सएप के माध्यम से किसी अन्य दुरुपयोग के लिए दूर संचार सेवा उपयोगकर्ता को धोखा देने के इरादे से संदिग्ध धोखाधड़ी संचार की रिपोर्ट करने की सुविधा प्रदान करता है। इसके कहने का मतलब है कि अगर आपके साथ कोई भी धोखा हुआ है कॉल के जरिए, मैसेज के जरिए, व्हाट्सएप पर, तो ये यहाँ पर आपको रिपोर्ट करने की, उस धोखाधड़ी की सुविधा देता है। कैसे करना है आपको, देखिए यहाँ पर लिखा है नोट में, यदि आप वित्तीय धोखाधड़ी के कारण पहले से पैसा खो चुके हैं या साइबर अपराध का शिकार हैं तो कृपया साइबर अपराध की हेल्पलाइन 1930 या वेबसाइट www.cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें। चक्षु सुविधा वित्तीय धोखाधड़ी या साइबर अपराध के मामलों को नहीं संभालती है। ये सिर्फ कॉल के जरिए, मैसेज के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए आपके साथ कोई धोखाधड़ी हुआ हो तो उस टाइप के मामलों के लिए ये है। तो देखिए यहाँ पर आगे जब जाएंगे तो किन किन कैटेगरीज में आपके साथ अगर हुआ है तो आप यहाँ पर रिपोर्ट कर सकते हैं, वो सब कुछ बताया गया है। देखिए अब संचार कैसे प्राप्त हुआ, देखिए एसएमएस के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए या फिर कॉल के जरिए, ये तीन यहाँ पर ऑप्शन है जैसा कि मैं पहले से बताते आ रही हूँ। अब यहाँ पर नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पर आपको वर्ग चुनना है, यानी कि कैटेगरी चुननी है कि किस में हुआ। देखिए जैसे कि बैंक, बिजली, गैस, बीमा पॉलिसी, सरकारी अधिकारी, रिश्तेदार के रूप में, या नकली ग्राहक सेवा बनकर कोई आपके साथ ठगी कर रहा है, ऑनलाइन नौकरी या लॉटरी का, जैसे नहीं देते हैं कि आप मुझे 2000 रुपये दे दीजिए मैं आपकी नौकरी लगवा दूंगा, कुछ इस टाइप का, या सेक्सटॉर्शन से संबंधित कोई, या फिर कोई लिंक और वेबसाइट आपने गलती से खोल दिया और उसे ऑर्डर कर दिया वो था ही नहीं, ऐसा कुछ फ्रॉड हुआ हो, या फिर कोई अन्य संदिग्ध धोखाधड़ी हुई है, इस टाइप के आप यहाँ पर आकर शिकायत कर सकते हैं। बड़ी आसान है, यहाँ पे आपको करना है जो भी अगर शिकायत हुआ इसका स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ पर लगा देना है। यहाँ पर डेट की कब आपके साथ हुआ है, 20 मार्च को, 25 मार्च को, 24 मार्च को या 24 फरवरी को, कब, यहाँ पर एक अनुमानित टाइम लगा देना है और यहाँ पर अपनी कंप्लेन लिख देनी है कि क्या आपकी कंप्लेन है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो अपना नाम डालना है, उसके बाद टाइटल और फिर नंबर, और यहाँ पर ये जो दिया है ओटीपी सबमिशन के लिए वो डालेंगे और फिर आप यहाँ पर सत्यापित कर देंगे और आपकी रिपोर्ट दर्ज हो जाएगी। उसके बाद से आपके मेल और व्हाट्सएप पे सारी चीज़ें आ जाएंगी और आपको जब जब जैसे जैसे जो जो प्रक्रिया होगी इसमें आपको पता चलते रहेगा, कार्रवाई पूरी हो जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो में अच्छे से प्रोसेस समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो कॉमेंट करके बताएं, साथ ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।